दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे तगड़े कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, बट ये बस बोला जा रहा है। हम लोग आपको करके दिखाएंगे कि कौन ज्यादा बेटर है दोस्तों, iPhone 14 Pro Max या फिर नया वाला Oppo का Find X6 Pro। चलो विद द पावर ऑफ हैसलब्लैड, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, OnePlus के फोन के साथ और Oppo के फोन के साथ बेसिकली ये तगड़ा कैमरा लेंस बनाते हैं। चलो अनबॉक्स करते हैं फोन को। बॉक्स काफी प्रीमियम सा है क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है और Oppo ने ये वाला काफी एक्सपेंसिव सा केस डाल रखा है बॉक्स के अंदर। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है और सिंगल साइड Oppo ही करता है, कुछ तो देते ही नहीं है। और ये रहा अपना फोन, भाई फोन तो काफी तगड़ा लग रहा है। ये कैमरा है दोस्तों, फोन इसके साथ आया है, पूरा एच टू एच कैमरा डाल रखा है इसके अंदर। लिटरली इतनी बड़ी बॉडी और इतना ही बड़ा कैमरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो बड़े बड़े कैमरा है, नीचे में ये पेरिस्कोप लेंस है जिससे जूम होता है बहुत मस्त। और फोन फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। पूरा ये है तो ग्लास बॉडी लेकिन भाई डिफरेंट लग रहा है काफी ज्यादा, ऐसा कुछ मैंने कभी टच नहीं किया। और केस लगाने के बाद इसकी ब्यूटी सच में भाई बरकरार रहती है क्योंकि केस बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और कलर के साथ काफी अच्छा मैच भी कर रहा है। दोस्तों इस कलर का नाम है हुंग चुंग मुंग। हाँ वही समझ रहे हो। वैसे बॉक्स के अंदर एक चार्जर मिला है जिसको पढ़ सकता हूँ भाई, 9.11। और ये चार्जर में हुंग चुंग चुंग मुंग चुंग चुंग 100 वाट, मेरे को आती चाइनीज, कोई नहीं बोलेगा फेक। और यहाँ पे डेटा केबल मिल जाएगा और ऑफ कोर्स आपको टाइप सी केबल मिल जाएगा। आजकल टाइप सी आ रहा है बट इसके अंदर ये यूएसबी है। बैक टू फोन, और फोन के अगर डिजाइन के बारे में बात किया जाए तो आपको इसकी बनावट दिखाते हैं। सबसे पहले एक कर्व डिस्प्ले फोन है तो इन हैंड आपको साइड में एजेस फील होते हैं जिससे प्रीमियम फील होगा आपको फोन में। आपको टाइप सी है, स्पीकर है, जो पूरा साइड फ्रेम है एल्यूमिनियम का बना हुआ है क्योंकि इन हैंड फील जो आईफोन का भी तो कोई बीट नहीं कर पा रहा है। आईफोन के अंदर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील होता है, अगर यूज करें शुरू कर दें भाई मजा आ जाएगा एंड्रॉइड में। टॉप में सेकेंडरी स्पीकर है, यहाँ पे आयर ब्लास्ट है, माइक्रोफोन है और पीछे में इतना बड़ा सा कैमरा है दोस्तों। और ये तीनों ही कैमरा 50 50 50 मेगापिक्सल के, एक है वाइड कैमरा, एक है अल्ट्रा वाइड कैमरा और ये है पेरिस्कोप वाला। और फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। एक चीज नोटिस करो, हमने सेम वॉलपेपर यहाँ पे iPhone 14 Pro Max और Oppo Find X में रखा हुआ है। iPhone की डिस्प्ले को बीट करने वाला फोन आ चुका है दोस्तों। इसके अंदर है 2500 निट्स की ब्राइटनेस और एक्चुअल में आईफोन को इसने ब्राइटनेस में बीट कर दिया। भाई क्या एक्सट्रीम ब्राइटनेस है यार, आईफोन फुल ब्राइटनेस पे है। और ये भी एक बार आउटडोर में देखते हैं। देखो भाई दोनों फोन की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे हिसाब से। देखने में आईफोन थोड़ा सा आगे निकल रहा है बट भाई ओप्पो थोड़ा सा भी कम नहीं है। प्राइस में डिफरेंस आ रही है, उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि ओप्पो की डिस्प्ले मच बेटर और मच ब्राइट है आईफोन 14 प्रो मैक्स से। भाई मतलब लाइक बीट कर दिया फोन को। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। आपको कैमरा कॉम्बिनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर वीडियो डाल दी होगी तो। ये तो वेट कर लो यार। वाइड एंगल नॉर्मल सेंसर में शिफ्ट बहुत ज्यादा स्मूथ है इसका। देखो ओहो भाई ओहो 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 डांस हो गया भाई डांस। 3x और ये 6x तक इसका क्वालिटी लिटरली गिरता नहीं है। अगर आप जूम करोगे तो भी डिटेल्स काफी अच्छे दिखेंगे इसके अंदर। और अगर 3x के बारे में बात करें भाई, इसकी क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल आ रही है। एकदम नेचुरल कलर है दोस्तों। ये जो हैसलब्लैड की ब्रांडिंग देख रहे हो, एक्चुअल में पूरा नेचुरल कैप्चर करने के ऊपर फोकस करते हैं। इस वाले कैमरा से फोटो क्लिक करोगे उसको आप एडिट करके और इनहांस कर सकते हो। वैसे एक क्विक कंपैरिजन आईफोन के साथ करना बनता भी है दोस्तों। 3x पे सेम फूल की फोटो ली हम लोग ने, आईफोन थोड़ा ज्यादा नेचुरल कैप्चर कर रहा है बट एक्चुअल कलर्स को बूस्ट कर रहा है। देखो ऊपर कितना डिटेल एंड डेफिनेशन ज्यादा अच्छे हैं, कलर्स को बूस्ट नहीं कर रहा है ये। मुझे तो ओप्पो की फोटो मच बेटर लग रही है। आपको कौन सा लग रहा है कमेंट में बताओ। एक और फोटो लेते हैं यहाँ पे। भाई इसका फोकस कितना अच्छा है देखो एक बार, और यहाँ यहाँ पे बोके कितना अच्छा क्रिएट हो रहा है। थोड़ा इसके लिए मुश्किल बनाते हैं फोकस करना। भाई इसने इस पे भी कर लिया फोकस, एकदम DSLR इफेक्ट है यहाँ। ये मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इतना अच्छा कैमरा मैंने लिटरली अभी तक तो नहीं देखा। DSLR चाहिए कि ये चाहिए भाई, मेरे को तो फोन ही चाहिए। सच में फोन की फोटोग्राफी इतनी अमेजिंग हो गई है। अभी इस पे जूम करते हैं, एक बार नॉर्मल फोटो लेते हैं। हाथ ऊपर करना भाई, अरे ऐसे पीटी करेगा क्या भाई, थोड़ा शाहरुख खान स्टाइल में करना। 3x भाई अब से घूम जा। ये वाली पोर्ट्रेट फोटो हमने ऋषि क्लिक की है, एक्चुअल में ये भी बहुत अच्छी है। मतलब जो इसका डेप्थ क्रिएट हो रहा है ना वो बहुत ही अच्छा है, एकदम नेचुरल टोन पे ब्लर हो रहा है। कलर्स की बात करें, हल्का सा डीसैचुरेटेड कलर है जिसको आप अपने हिसाब से एडिट करके और इनहांस कर सकते हो। वैसे इसकी शटर स्पीड थोड़ी सी स्लो लगी मुझे, और जब भी आप फोटो क्लिक करते हो देखो, फोटो ओपन करने के बाद ये फोटो को इनहांस करता है। और अभी कुछ तगड़ी वाली पोर्ट्रेट फोटो अपनी निकाल लेते हैं दोस्तों, और अभी एक बार आईफोन से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये वाली फोटो हम लोग ले रहे हैं पोर्ट्रेट मोड में, क्या गर्दा पोर्ट्रेट फोटोज निकालता है ये। लिटरली अगर मैं आपको जूम करता हूँ यहाँ पे, हेयर्स के पास एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, चश्मा हेयर हर एक चीज बहुत ही नेचुरल टोन पे कैप्चर होता है। और पूरे पोर्ट्रेट फोटोज में सिनेमैटिक टाइप का इफेक्ट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और ओप्पो ने बहुत तगड़ा काम किया मेरे हिसाब से। जितने भी फ्लैगशिप फोन है अभी कैमरा वाले, वीवो का X90 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, सैमसंग H23 अल्ट्रा, इसके बाद ये ओप्पो का फाइंड X6 प्रो, डेफिनेटली भाई ये नाम याद रखना। अब बात करते हैं इसके वाइड एंगल सेंसर की। फोटोज के अंदर वाइड एंगल सेंसर है, ये
1X पे है, ये है 3X, और अगर कलर डिफरेंस के बारे में बात की जाए लिटरली जीरो कलर डिफरेंस है क्योंकि सेंसर अच्छा यूज किया जा रहा है। और एक बार अपने मॉडल फोटोग्राफी करते हैं। मैं हूँ मॉडल। अच्छा और इसके शटर स्पीड को टेस्ट करने के लिए थोड़ा एक्शन वैक्शन भी कर लिया दोस्तों, जोर से दौड़ता हूँ, देखते हैं कैसी फोटोज आती हैं। बिल्कुल फ्लैश वाली फोटोज आई हैं, आप देख सकते हो। और अगर बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे के बारे में तो इसके सेल्फी कैमरे के अंदर वाइड एंगल सेंसर भी है। देखो ये नॉर्मल और ये वाइड, बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात, फोटो कैप्चर करने के बाद ये बहुत अच्छा प्रोसेसिंग करता है। देखो यहाँ पे इसने कलर को बैलेंस कर लिया, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ओप्पो ने काफी तगड़ा काम किया। और पहली बार मैंने ये 2X देखा है भाई सेल्फी के अंदर, मस्त लग रहा है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ओप्पो को और बेटर अच्छा काम करना चाहिए था। बट अगर पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करें इसमें काफी अननेचुरल सा ब्लर है, उतनी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। बट डिसअपॉइंटिंग चीज एक और है, वो है सेल्फी वीडियो। यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 4K का सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए था यहाँ पे। बट अगर बात करते हैं इसके रियर वीडियो कैमरा के बारे में, यहाँ पे आपको 4K में 60fps मैक्सिमम सेटिंग है इसकी। अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K में, इस वाले कैमरे का फोकस बहुत ही अच्छा और नेचुरल टोन पे कैप्चर होता है। और ये वाली वीडियो आप देख रहे हो 4K 60fps पे, और माइक्रोफोन भी हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं। लेकिन यार प्रॉब्लम ये कि रिकॉर्ड के टाइम आप वाइड एंगल में स्विच नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वाइड एंगल में रिकॉर्ड करना है तो वीडियो को रोकना पड़ेगा, उसके बाद वाइड एंगल में स्विच करना पड़ेगा, एंड देन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये वाला वीडियो आप देख रहे हो वाइड एंगल वीडियो, इसका कलर क्वालिटी कैसा आ रहा है आप कमेंट करके बताओ। तो ये वाले सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग 1080p पे। डेफिनेटली भाई मेरे को मजा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 4K होना चाहिए था भाई। 4K होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था भाई, दिल से बुरा लगा मेरे को भी, दिल से बुरा लगा। और कैमरे के अंदर वो चीज है जो कि आपको धरती और आकाश के बीच की दूरी खत्म कर देता है, 120x का जूम है। तो हम लेके आ गए हैं अपना जूम किंग अल्ट्रा। देखो भाई इसके अंदर है 100x। बालकनी में कोई खड़ा नहीं है यार, मजा नहीं आया। बालकनी से आपको रूम में देखना है तो ओप्पो का ये फोन आएगा सामने आपके लिए। भैंस की रोमांस की लेते हैं फोटो दोस्तों, सांड है वो दोस्तों, सांड के रोमांस की फोटो लेते हैं हम लोग 100x पे। भाई सांड की आंख दिख रही है भाई, 120x में थोड़ा ज्यादा जूम तो करता है फॉर श्योर। लेकिन जो ओप्पो से फोटो आती है तेल वाले पेंडिंग है दोस्त, लेकिन सैमसंग के अंदर फोटो अच्छी आती है 100x पे। एक बार 3x में लेके देखते हैं दोनों में ज्यादा क्वालिटी किसकी आ रही है। भाई सांड हम लोगों को देख रहे हैं भाई, मारा को नहीं आ गया। 10x में मच बेटर क्वालिटी सैमसंग की आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है एक्स्ट्रा। कैमरा तो काफी तगड़ा लगा मुझे। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे ये एक चाइनीज वेरिएंट वाला फोन है तो इसका सॉफ्टवेयर आपको काफी डिफरेंट मिलने वाला है। इंडिया में जो फोन आएगा उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो ओप्पो का सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा अच्छा हो गया। और ये वाला फोन बहुत ज्यादा स्मूथ है भाई, देखो कितना क्विक काम करता है। जैसे अगर कैमरा ओपन हुआ, कैमरा क्लोज करने कितना अच्छा एनिमेशन आ रहा है। और जो इसका डिस्प्ले आपको LTPO 3 डिस्प्ले, बहुत सिंपल वर्ड्स में ये जो आपको डिस्प्ले में स्मूथनेस मिलती है ये और ज्यादा इंप्रूव होके आई है और आपको फोन बहुत स्मूथ फील होगा। कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे आपको, साइड बेजल तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और ये जो नीचे का चिन भी है ना बहुत ज्यादा स्मॉल सा है, और पूरा फोन सामने से देखने में बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगता है और प्रीमियम लगता है। और बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिली है, सामने से गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोडक्शन है, मतलब फोन अगर गिरे हुए रहेगा तो बच सकता है। अभी हम लोग 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं, बहुत आराम से प्ले हो रहा है। और इसका स्पीकर कंपेयर करते हैं 1 & only iPhone 14 Pro Max से, ये फोन बेस्ट स्पीकर के साथ आता है। माइक से दोनों ही फोन सेम डिस्टेंस पे हैं। अब आईफोन, मैं कहूंगा आईफोन को बीट कर दिया इसने अपने स्पीकर से, और ये बहुत तगड़ी बात है भाई। आईफोन के स्पीकर में बीट करना थोड़ा मुश्किल है, वॉल्यूम में थोड़ा सा बेटर है ओप्पो, क्वालिटी एंड बेस में दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर लगे मुझे। लेकिन भाई फिर भी थोड़ा सा क्लियर अपना ओप्पो ही था। बहुत ही सिंपल से बात करते हैं, ये वाला फोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा फोन होने वाला है इंडियन मार्केट के लिए। और ओप्पो ने सैमसंग A23 अल्ट्रा और 14 प्रो मैक्स को बीट करने के लिए ये वाला फोन लॉन्च किया है, और इसके अंदर आपको हर वो चीज मिलेगी जो एक फ्लैगशिप फोन में होना चाहिए। जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलेगा इसके अंदर, मतलब कि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और जितना मैंने फोन का यूज किया आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर मैं इसके ऊपर BGMI खोलता हूं एक सेकंड में, तो ये वाला BGMI देखो डायरेक्टली ओपन हो गया। और लिटरली ये वाला BGMI हम लोगों ने कल रात में अपने गेमिंग चैनल के गेमिंग रिव्यू के लिए ऑन किया था, और ये अभी तक इसके मेमोरी में है। वैसे तो गेमिंग और परफॉर्मेंस रिव्यू आप हमारे गेमिंग चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत मेहनत हो रही है। एक बार हम भी खेल लेते हैं, इसके अंदर इस साइड लग जाएगा अपना ट्रिगर, लेकिन भाई यहाँ ट्रिगर कौन लगाएगा, कहीं से नहीं लग पाएगा, गेमिंग फोन नहीं है ना इसीलिए। भाई क्या परफॉर्मेंस आ रही है, एकदम सेक्सी परफॉर्मेंस है भाई। अच्छा स्पीकर भी काफी हेवी लग रहा है दोस्तों,
बहुत सिंपल व्हाट्सएप परफॉर्मेंस काफी तगड़ी है और अच्छी बात यहाँ पे लगी टच रिस्पॉन्स बहुत क्विक है। देखो भाई 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 100 वॉट का चार्जर है, कंप्लीट फोन 28 मिनट में चार्ज हो जाएगा, तो बैटरी वैटरी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसका प्राइस क्या आएगा इंडिया में, मेरे हिसाब से 80,000 रुपए के अराउंड आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। अगर ये 75-80,000 के अराउंड आता है तो वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप ऑफ 2023 ओप्पो फाइंड एक्स 6 प्रो। और ओप्पो फाइंड एक्स के ऊपर बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स हमने बनाए, उसके लिए आप हमारा शॉर्ट चैनल चेकआउट कर सकते हो और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।